Hello students, welcome to entrance test platform. Let's try to solve this question. Question padhte hain. Question mein pucha hai humse, the fungi, they are filamentous with exception of X, which is unicellular. Identify X. So it's like we have to guess ki ye kis organism ke bare mein baat kar rahe hain, uski ek quality. Aur teacher hame bata rakha hai ki ek to wo fungi hai, dusra filamentous hai. और एक्सेप्शन ऑफ एक्स मतलब जो फंजाई जो फिलामेंटस होते हैं और लाइक उसमें ये ऑर्गेनिज्म नहीं आता. मतलब फंजाई यूजुअली फिलामेंटस होते हैं, बट ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं वो फिलामेंटस नहीं है, बट वो फंजाई है और उसका दे रखा वो यूनिसेलुलर है. तो वो कौन है? सो लेट्स सी हियर. हमें एग्जाम्पल में दे रखा है ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी एल्बियो, ऑप्शन सी म्यूकर एंड ऑप्शन डी लाइकेन. सो लेट्स सी व्हाट कुड बी द ऑप्शन, लाइक व्हाट कुड बी द आंसर. सो ईस्ट होता है वो ऑर्गेनिज्म जो एक तो यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है, एंड दूसरा डज नॉट शो फिलामेंटस नेचर. फिलामेंटस मतलब फिलामेंट का नहीं होता ये वो, एंड इट इज माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही माइन्यूट साइज होता है. मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है. माइक्रोस्कोपिक फंगस है ये, सिंगल ओवल सेल है एंड इट reproduces by budding. So let me show. ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओवल सा स्ट्रक्चर होता है और ऐसे इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं. सो इट्स लाइक दिस. तो फिलामेंटस नहीं होता, ये ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है और बडिंग मतलब बडिंग एक बडिंग के थ्रू ये डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बर्ड्स की तरह होता है, तो अगर कोई भी एक बर्ड इसे टूट जाए देन इट ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक दिस. ये न्यू ईस्ट बना देगा बडिंग के प्रोसेस से, ये रिप्रोड्यूस करके. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए विच इज ईस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज विजिट एंट्रेंस टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मोर सच वीडियोज एंड क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.